आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, है और जो मटेरियल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है अब हमें उसे एक लिक्विड में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है तो न्यू फोकल लेंथ हमें पूछा गया है तो फोकल लेंथ का हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 by f is equal to mu relative minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। अब 1 by f यानी कि 1 by 20 is equal to mu relative 1.6 है एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 1.6 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 का हम अल्फा ले लेते हैं अभी इस टर्म को हम अल्फा ले रहे हैं, तो यहां से ये आ गया वन बाई ट्वेंटी की वैल्यू आ गई तो अल्फा की वैल्यू आ गई ट्वेल्व है ठीक अब हमें यह पूछा गया है कि जब इमर्श इन लिक्विड कर देंगे तो म्यू रिलेटिव चेंज आ जाएगा तो हमें नया फोकल बताना है, तो उसको एफ वन ले लेते हैं तो म्यू रिलेटिव हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय 1.3 माइनस 1 इनटू अल्फा अब अल्फा की वैल्यू 1 बाय 12 है तो ये हो गया 1.6 माइनस 1.3 यानी कि 0.3 डिवाइडेड बाय 1.3 इनटू अल्फा की वैल्यू 1 बाय 12 तो ये आ गया 3 बाय 13 इनटू 1 बाय 12 तो ये कट गया 4 तो f1 की वैल्यू आ गई 13 इनटू 4 52 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ